कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है, इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और ये आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेज गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते, मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन 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 कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में दो जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20-20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं और गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। बोले सोनिहाल सियागा, बोले सोनिहाल।